कहानी ऑफ अ ऑनेस्ट साइकोलॉजी स्टूडेंट। साइको मत समझना, फायर है मैं, दिमाग में आता है दिल में नहीं। तुम्हारा दिमाग पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा आखिर ये हुआ क्या। ये बोलता है कौन? साइकोलॉजी स्टूडेंट। भैया बीबीए का भी बता दो। सिर्फ बैचलर मत समझना, प्रोफेशनल कोर्स है मई। कॉम्पिटिशन पार करके आता है ऐसे ही नहीं। अपना स्वैग दिखा भी देगा, एंट्रेंस क्लियर कर भी लेगा, बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब भी आराम से पा लेगा। एक बात का ध्यान रखना, हमसे पंगा नहीं लेना, चाहे बीबीए हो चाहे साइकोलॉजी हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये है बीबीए वर्सेस साइकोलॉजी। दोनों ऐसे करियर्स हैं जिसमें एक में तो दुनिया जाती है। साइकोलॉजी में जाने के लिए बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए। हमें पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, हमें समाज को भी बताना पड़ता है कि ये करियर में क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसको कंपैरिजन अगर हम देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा 70% चीज़ें तो सेम ही है। एग्ज़ाम्स वगैरह तो दोनों में होते हैं, कॉलेजेस दोनों के हैं। जो 30% वेरिएशन है वो आखिर है क्या? राइट, ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। कितनी वीडियो है? 82। पहले हमने देखो सीए को कंपेयर किया, फिर हमने पीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया, अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 73। अंतिम सांसें ये सीरीज ले रही है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मर्जी वो वीडियो देखो, अपने करियर को सॉर्ट कर लो। बस पहले आ जाते हैं जी कहां पर, बीबीए, फिर आ जाते हैं साइकोलॉजी। वेबसाइट की अगर बात करें, जिस भी बीबीए कॉलेज में आपको जाना है उसका नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, उससे रिलेटेड वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अगर 1000 कॉलेजेस का नेम आप टाइप करोगे तो 1000 डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी। सेम गोज विद द साइकोलॉजी। तो कोई एक वेबसाइट पर्टिकुलरली आपको दोनों करियर्स के लिए नहीं मिलेगा। फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस मतलब धंधा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। अदर नेम्स बीएमएस और बीबीएम, प्यार से बोलते हैं, इना मीना डी का, सब भाई बहन नेम्स हैं। अगर आपको साइकोलॉजी करनी है तो देखो ज़्यादातर तो होती है बीए साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर इन आर्ट्स, ब्रैकेट में होता है लिखा हुआ साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी ऑनर्स भी होता है, और फिर बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स होता है। अगर आपको करनी है क्या बीएससी, ये जो है ये बीएससी करनी है, इसके लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें बायोलॉजी चाहिए। मेरे साथ बोल देंगे इधर इधर इधर, यहाँ पे बायोलॉजी चाहिए। तो हमारे लिए क्या बचता है? हमारे लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ बीए। डन। नंबर ऑफ ऑथराइज इंस्टीट्यूट, देखो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं बीबीए से रिलेटेड, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, जैसे आईएम, क्राइस्ट, एसपीजेएन, सिम्बायोसिस, शिवनाथन, नरसिम्हाजी, बहुत कुछ है। अगर डेली एक कॉलेज का नाम याद करोगे ना तब भी जिंदगी निकल जाएगी, इतने सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, गुड नंबर, थाउजेंड्स नहीं लिखा है, थाउजेंड से कम है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वांटिटी में है, एक स्केलेबल क्वांटिटी में है कि आपके पास एक चॉइस है कि भाई मुझे इसमें जाना है या फिर इसमें जाना है। ऐसा नहीं ये दो ही कॉलेज है, इनमें से कोई एक चूज कर लो, वेराइटी आपके पास अवेलेबल है। डी यू में, क्राइस्ट में, शिवनाजर, मुंबई यूनिवर्सिटी, जेवियर्स, काफ़ी कुछ है। कोर्स का स्टेटस, बीबीए है प्रोफेशनल यूजी डिग्री, यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट, ये है ट्रेडिशनल यूजी डिग्री। प्रोफेशनल और यूजी का डिफरेंस किसी दिन और बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर बीबीए करना है 10+2 कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। हाँ भैया पक्का? हाँ जी पक्का। यहाँ पर भी 10+2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। देखो किसी भी डिग्री में एडमिशन लेने के तीन तरीके हैं, इधर तीन तरीके हैं बस, एंट्रेंस, क्लास 12th के मार्क्स, डायरेक्ट एडमिशन, वो ही लिखा है। बीबीए करना है तो ये सारे एंट्रेंस क्लियर कर लो। भैया नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, क्लास 12th के बेसिस पर एडमिशन ले लो। भैया ये भी नहीं हो पाया, डायरेक्ट एडमिशन ले लो। अगर साइकोलॉजी करना है तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या? आपके पास साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए क्लास 12th में। भैया हर कॉलेज में ऐसा ही होगा? नहीं, कुछ कॉलेजेस ने कहा है ऐसा, ठीक है। कुछ कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मिल जाएगा कि भैया अगर आपके पास क्लास 12th में साइकोलॉजी है तो ही आप साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस में है कि आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, कुछ में है बीएससी साइकोलॉजी के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी है,
मेन काम है। अगर आपके पास 12th में साइकोलॉजी है तो आपके लिए थोड़े से कॉलेजेस के ऑप्शन ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बस ठीक है। एडमिशन प्रोसेस वही है, एंट्रेंस क्लियर करना, क्लास 12th के मार्क्स और डायरेक्ट एडमिशन। स्पेशलाइजेशन BBA में स्पेशलाइजेशन है 50+, बहुत सारी हैं। मेन स्पेशलाइजेशंस की बात करें, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, IB बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जनरल BBA। उसका रीज़न, क्योंकि हमें ना बचपन में ना पता नहीं होता कि किस टाइप का BBA हमारे लिए सही रहेगा, तो हम ना जनरल BBA करते हैं, जिससे हमारे लिए ज़्यादा करियर ऑप्शन ओपन रहते हैं। स्वाहा। यहाँ पर मेन स्पेशलाइजेशन आपको ये सब मिल जाएंगे, साइकोलॉजी वर्ड इन सब में कॉमन होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, देखो अगर BBA करना है 30,000 to 40,000 रुपीज पर ईयर से फीस स्टार्ट होती है, 7 लाख पर ईयर तक जा सकती है भैया BBA की, हाँ जी जा सकती है। अब्रॉड से करना है 15 to 40 लाख पर एनम तक होगी, US, UK, कैनेडा, डिपेंड करता है कंट्री पर। यहाँ पर 10 to 20,000 पर ईयर और 5 लाख पर ईयर तक जाती है, ये भी ज़्यादातर अब्रॉड में होता है। मतलब साइकोलॉजी महंगा कोर्स नहीं है, मॉडरेट लेवल का कोर्स है, आप आराम से फीस पे कर सकते हो। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन BBA का है 3 इयर्स, अब्रॉड में कुछ मुट्ठी भर यूनिवर्सिटीज़ में आपको 4 इयर्स का BBA मिल जाता है। इंडिया में साइकोलॉजी होता ही 3 इयर्स का है। कंप्लीट कितने में कर लोगे, 3 इयर्स में कर लोगे, ऐसा नहीं है CA जैसे बोलते हो तो सब 4 इयर्स का है, लेकिन 6 इयर्स भी लग जाता है, 7 भी लग जाता है, और कभी कभी तो होता भी नहीं है। ऐसा यहाँ डिग्री में नहीं होता, जितने टाइम की डिग्री है उतने में ही कंप्लीट हो जाएगी। लेवल्स ऑफ द कोर्स, देखो BBA में होता है क्या, सेमेस्टर सिस्टम। साइकोलॉजी में क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम। कितने सेमेस्टर होते हैं, 6 to 8। क्यों, अगर 3 इयर्स का BBA कर रहे हो इंडिया से, एक साल में 2 सेमेस्टर तो 6, और अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो 8, और साइकोलॉजी में तो होंगे ही 6। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया दोनों डिग्री में सेम है, 24 to 30 पेपर्स पूरे 3 साल के कोर्स में आपको मिलेंगे, जिसमें 6 सेमेस्टर्स हैं। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर हैं, इंट्रोडक्शन से एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर। अगर आपका BBA कॉलेज एफिलेटेड है दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से, अलग पैटर्न है। केरला की किसी यूनिवर्सिटी से अलग पैटर्न है। गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से अलग पैटर्न है। 10-20% का वेरिएशन हो सकता है। असाइनमेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, इन सब के बेसिस पर आपको चेक किया जाएगा कॉलेज में कि आपकी जो नॉलेज है वो कैसी है। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, BBA से रिलेटेड, वहाँ पर ये सब चीज़ें जेन्युइन होंगी, मतलब लिखा हुआ भी है और हो भी रहा होगा। जहाँ बेसिक या बहुत ही एवरेज से भी गड़बड़ कॉलेज में चले गए, वहाँ पर तो बस ये चीज़ें लिखी होती हैं, होता तो वो है जो आप करना चाहते हो, समझ रहे हो। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40%। देखो BBA जो कोर्स है वो है मॉडरेट लेवल का। ऐसा नहीं लगेगा हे भैया भैया पढ़ाई नहीं हो रही, भैया अभी भी नहीं हो रहा, भैया समझ नहीं आ रहा क्या। मॉडरेट है, आराम से हो जाएगा, चिल। एंट्रेंस है बस यहाँ पर टफ। अगर आप IPMAT, SAT, CUET की तैयारी करते हो तो एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी, अपने सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज आपको चाहिए। अगर प्रीमियम कॉलेज टारगेट करना है, 3 to 4 आवर्स का स्टडी आपको डे टू डे बेसिस पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, कोर्स है मॉडरेट, सेम है बिल्कुल, मतलब सब्जेक्ट अलग है यार, लेकिन मॉडरेट लेवल का कोर्स है, साइकोलॉजी इज अ मॉडरेट कोर्स। एंट्रेंस यहाँ पर भी टफ पड़ सकता है, CUET मेन एंट्रेंस माना जाएगा, क्योंकि BA और BCOM का मेन एंट्रेंस अब क्या बन चुका है, CUET। एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट की नॉलेज। एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स। डन। पासिंग परसेंटेज, अगर 100 स्टूडेंट्स ने BBA में एडमिशन लिया, 100 स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, और अगर दोनों पास हो गए और या फिर बीच में रुक गए, तो कितने रुकेंगे, टेंशन ना लो, 100 ही बाहर आएंगे, ठीक है। CA की तरह नहीं, 100 स्टूडेंट्स गए बाहर आए 70, है ना, बाहर आए सॉरी 30, 70 रास्ते में हो गए। CFA की तरह नहीं, 40 स्टूडेंट रास्ते में खो गए। डिग्री में तो जो जाता है वो निकल जाता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, कैंपस प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर, कॉलेज के ब्रांड पर। BBA का कॉलेज अगर आपका बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। साइकोलॉजी का कॉलेज बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट अच्छा होगा। भैया फिर भी एक आइडिया दे दो यार। देखो BBA आप गए ग्रुप 1 में, मतलब एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में एडमिशन होगा कैसे भी, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना पैकेज। भैया क्लास 12th वाले जो कॉलेजेस है ना, जिसमें मेरे क्लास 12th के मार्क्स कंसिडर किए, उनमें गया हूँ मैं, ठीक है, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। भैया ना तो मेरे इसमें एंट्रेंस में स्कोर आया, ना मेरा क्लास 12th में स्कोर आया, मैं हो गई परेशान। मैंने एक बेसिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना है, और ये भी TNC अप्लाई है, 2 से 3 बच्चों का ही जाता है बस, ठीक है।
एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस साइकोलॉजी में हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, मेरिट बेस्ड कॉलेजेस में हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, और कोई भी में हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। भैया इतना डिफरेंस है, मतलब यहाँ 30 हाईएस्ट, यहाँ 10 हाईएस्ट। हाँ, साइकोलॉजी में आपको ह्यूज पैकेजेस जाते हुए मिलेंगे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज जा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही पैकेज से स्टार्टिंग मिलेगी, धीरे धीरे आपका करियर ग्रोथ है, स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। टॉप कॉर्पोरेट, देखो बीबीए करने के बाद टीसीएस, विप्रो, रिलायंस जैसी हजारों कॉर्पोरेट्स आपके लिए ओपन है, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं सारी आपके लिए ओपन है, पूरा का पूरा एफएमसीजी वर्ल्ड, सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हो पीते हो घूमते हो सब कुछ एफएमसीजी है, वो पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है। डन। साइकोलॉजी में आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जॉब कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, एचआर ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब कर सकते हो। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, भैया मैंने बीबीए कर लिया, मुझे ये बता दो अब अगर डिग्री मुझे आगे लेना है या सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करना है तो क्या क्या कर सकता हूँ। भैया आप एमबीए कर सकते हो बीबीए के बाद, पीजीडीएम कर सकते हो, पीजी कोर्सेज कर सकते हो 1 to 2 ईयर्स के। भैया नहीं यार, इतना ना तो मतलब मेरा मन है पढ़ने का और ना मैं एंट्रेंस कर सकता। कोई बात नहीं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर लो, याद रखना बस। भैया क्या याद रखना है, जो रेलिवेंट हो वो ही करना, फालतू का ज्ञान नहीं लेना है, गूगल नहीं बनना है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज सीएफए और सीपीए टाइप भी कर सकते हो अगर फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट इंटरेस्ट आ रहा है। हायर एजुकेशन ऑप्शन यहाँ पर, भाई पहले आपने किया बीए इन साइकोलॉजी तो अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा मास्टर्स इन साइकोलॉजी। कुछ ना एमबीए इन एचआर की तरफ भी जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को समझना, उनके एस्पिरेशंस को समझना, उनका नीड एनालिसिस करना, उसके हिसाब से फिर उनको टास्क देना, तो थोड़ा साइकोलॉजी वाला यूज यहाँ पे हो जाता है, तो एमबीए इन एचआर, ठीक है। एमए करियर डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग कर सकते हैं, इंडिया में ज़्यादातर ये अवेलेबल नहीं है, अब्रॉड में अवेलेबल है, और सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज भी आप स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। डन। जॉब की अगर ग्रोथ देखें, बीबीए के बाद मॉडरेट लेवल तक की ग्रोथ है, अगर कुछ तूफान करना है ज़िंदगी में एमबीए तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीबीए के बाद ना टाइम बहुत लग जाएगा, 20 to 25 ईयर्स लग जाएंगे एक अच्छे लेवल तक आने में, वो 1.5-2 करोड़ वाली बात मैं कर रहा हूँ, अर्निंग तो बढ़िया रहेगी। यहाँ पर अगेन मॉडरेट लेवल, आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो लेनी ही पड़ेगी अगर अपने करियर को स्केल करना है। एवरेज एज ऑफ मैरिज बीबीए के बाद 25 to 27, 20 में हो गया बीबीए, 5 ईयर्स में प्लेसमेंट का सेटलमेंट, 25 में हमारी सैलरी हो गई 50,000 और अब हम तैयार, तो 25 to 27 में हो जाता है, और बचपन का प्यार है फिर तो भूल नहीं जाना रे। यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी जॉब पर, साइकोलॉजी के बाद जॉब मिलना इट्स अ टास्क, कभी कभी बन जाता है अगर कॉलेज डिसेंट नहीं है, तो जॉब मिल गई फिर तो वही 25 to 27, नहीं तो बस लगे हुए। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, दोनों ही डिग्री बेसिक है, मार्केट चाहता है आपके पास कोई हायर एजुकेशन हो। अच्छा भी बीबीए किया है क्या, अच्छा साइकोलॉजी पढ़ोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इधर उधर वो जो दिमाग से इधर वैसे वाले लोग होते हैं उनको देखोगे, मेंटेलिटी ये है, तो रिस्पेक्ट एकदम नहीं आएगी। रिस्पेक्ट कब आएगी, जब आप मास्टर्स कर लोगे, अपने करियर में कुछ फोड़ दोगे, राइट। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज, कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड में बीबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर सकते हैं फ्रीलांस, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं शाम को 5 to 9 आफ्टर कॉलेज, मार्केट रिसर्च में वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर अपना खुद का सेंटर बना सकते हो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, फ्रीलांसिंग कर सकते हो काउंसलिंग में, और आप एनजीओज वगैरह के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। कोर्स लाइफ की अगर बात करें बीबीए में, प्रेशर है बहुत कम, फ्रेंड्स के साथ मस्ती आएगी ज़बरदस्त वाली, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप्ड होंगे, अगर कॉलेज अच्छा है, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट है, नाइट आउट्स हैं, तो बस समझ जाओ जिंदगी ऐशी ऐश। यहाँ पर प्रेशर होगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि डीप स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीप वर्क है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ है इधर रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो बहुत ज़रूरी है जानना। इंटर्नशिप और थोड़ा सा आपको वर्किंग वगैरह करनी पड़ेगी, फन आएगा फ्रेंड्स के साथ, एक्टिविटीज़ वगैरह में आप अगर इन्वॉल्व होते हो कॉलेज के, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सारी कहानी समझ में आ गई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, जाओ मत, रुक जाओ, ए कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। अगर सब्जेक्ट में देखें तो भैया क्या पढ़ सकते हैं इन दोनों डिग्री में, बीबीए में आप मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे, भैया समझ ही नहीं आया, जैसे आप कभी उनके पास गए हो
वो जो टिक्की लगाते हैं ऐसे पत्तल में, उसके ऊपर फिर थोड़ी सी दही, फिर सॉल्ट, फिर गरम मसाला, फिर थोड़े से छोले, छोले को फिर थोड़ा सा ऐसे क्रश किया, उसके ऊपर हरी चटनी, उसके ऊपर थोड़े अदरक के पीस, बटवा दो। वो लेकिन टिक्की बेचते हैं क्या खाली? उनके पास और भी तो बहुत कुछ होता है जो शायद एक दिन में बहुत ही कम जाता है, जैसे दही भल्ले बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन रखते हैं वो। स्पेशलाइजेशन एक में बन गया धीरे धीरे, लेकिन और सब भी है। ऐसे ही सब्जेक्ट हो गए बीबीए के, एक में स्पेशलाइजेशन बनाना है और सब भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। भाई वाह, गजब। जैसे आपको मैनेजमेंट, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस मैथ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक में स्पेशलाइजेशन बनाना है। ठीक है जी, यहां पर ज्यादातर आप ह्यूमन बिहेवियर और डिसऑर्डर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो। जैसे बोटैनिस्ट होता है ना, वो प्लांट के बिहेवियर को पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करता है। सेम केस में आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट बन जाते हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर और डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हो। आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि ये जो ह्यूमन है ना मेरे सामने, ये अब आगे क्या करने वाला है। प्रिडिक्टेबिलिटी पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है। भैया पढ़ तो लिया, काम भी करेंगे तो काम में क्या होगा? देखो जब सब्जेक्ट हैं सारे जनरल, तो फिर मैनेजमेंट भी क्या होगा? जनरल। सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप सारे काम कर सकते हो। जैसे बचपन में गेम खेलते थे ना 7 to 8 फ्रेंड्स, वो ऊंच नीच का पापड़ा, और क्या होता था, बर्फ पानी, और वो होता था वो तड़ी मार, है ना। तो किसी को कोई रोल दे दिया, एक राजा, चोर, वजीर, सिपाही, तो कोई लड़ता नहीं था कि मैं राजा बनूंगा, मैं चोर बनूंगा। कोई कभी राजा बन गया, कोई कभी चोर बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई सिपाही बन गया। और जितने जितने गेम्स हैं, रेड लेटर, ये सब गेम्स में कोई डन जाता था, कोई छुपन छुपाई में डन जाता था, तो लड़ते नहीं थे, है ना। एक बचपन वाली लड़ाई अलग हो गई, लेकिन ईजिली फिर डाइजेस्ट कर लेते थे। अलग अलग रोल आप स्विच करते थे बचपन में, याद करो, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे ही सेम आपका वर्क होगा बीबीए के बाद। ओए होए होए होए, कभी कस्टमर रिलेशनशिप, कभी सेल्स, कभी फिनेंस, कभी डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ करोगे, फिर उसके बाद पता चलेगा अच्छा ठीक है ये वाला रोल मेरे लिए, डन। यहाँ पर आप लोगों को ना बेटर फील कराने में हेल्प करते हो, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, उनकी मेंटल हेल्थ, उनका काउंसलिंग करते हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके सॉल्व करते हो, उनमें अगर एंजाइटी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये देख रहे हो, एक फ्रेंड की याद आई जिससे कभी कुछ डिस्कशन किया था, वो बहुत बिजी था, लेकिन वो फिर आपके पास आकर बैठ गया और उसने आपसे 2-3 मिनट बात की, फिर एकदम से जैसे एक लाइट वेट नहीं हो जाता, ऐसे आपने राहत की सांस ली और वापस से आप ठीक हो गए। वो जो फ्रेंड है ना, वो बस वो ही वाला काम है आपका। इसके वर्क प्रोफाइल चेंज हो सकते हैं, लेकिन काम यही रहता है, राइट। कॉमन ट्रेट्स, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, पी आई। जब यहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं तो प्यार हो जाता है, मतलब आइडियल करियर बन जाता है। अगर किसी करियर में ऐसा हो गया ना, आपके एपीआई मैच हो गए, समझ जाओ वो करियर आपके लिए, उसको जिंदगी भर छोड़ना मत। देखते हैं इन दोनों में मैच होते हैं क्या, मेरे साथ साथ चलते रहना। बीबी के लिए मल्टीटास्किंग एप्टीट्यूड चाहिए जी, लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। भैया समझ ही नहीं आ रहा, न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है कभी? वो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर्स के बेसिस पर आपका प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई ठीक है आपके नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसे होगा, और आप अगर ऐसी ये चीज़ करोगे तो आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा। न्यूमरोलॉजिस्ट कोई एक आधी वीडियो देखना और देख के वापस आ जाना, हर चीज़ का सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आप हो, हर काम कर लोगे और जो भी काम आपको दिया गया उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट का एप्टीट्यूड होता है क्रिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज है ना एवेंजर्स में, एवेंजर्स की अगर आपने सीरीज नहीं देखी, एक पार्ट देख लो कोई भी, उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल है वो आपको समझ में आ जाएगा। बस वही है, सब दुनिया इधर उधर करती रहती है, लेकिन जब जिंदगी में टेंशन होती है सब इन्हीं के पास आते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी। पर्सनैलिटी, बीबीए स्टूडेंट की होनी चाहिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉलिड नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ऐसा नहीं मुझे और लोगों की जरूरत है डिसीजन लेने में, अपने आप में अपने दम पर यह डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मोस्टली एक्सट्रोवर्ट होते हैं सबसे बात करने वाले और एम्बिशियस होते हैं। इनमें से 70% ट्रेड्स भी अगर आपके अंदर है, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आप बीबीए स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो। जैसे आप कभी कैब में गए उबर ओला, तो कभी कभी ना ड्राइवर ऐसा होता है, इतनी बात करता है, मज़ा आ जाता है रास्ते में। अरे भैया जी मैं ये बात कह रहा था, मैंने एक बार वहाँ गया, मैं उस सवारी को छोड़ने गया, ऐसे ऐसे हो गया, उसने राइड कैंसिल कर दी, फिर मैं वापस
बहुत मन लगा के रखते हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है, कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो वो एक पर्सनैलिटी आपको वहाँ से सेंस होती है ना, वो पर्सनैलिटी होना चाहिए किसका, बीबीए स्टूडेंट का। साइकोलॉजी में पेशेंस और कामनेस बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग एबिलिटीज, दुनिया आएगी सुना के चली जाएगी, आपकी कोई सुनेगा नहीं। भाई वाह, दुनिया आएगी सुना के चली जाएगी, अपनी सुनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपैशनेट, क्रिएटिव और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये 10-15% भी कर रहे हो अपने लेवल पर इस टाइम प्रेजेंटली, क्योंकि आपकी कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं, बिना ट्रेनिंग के कर रहे हो, समझ जाओ ये करियर आपके लिए। जैसे टीचर होते हैं ना, कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं भाई, जो बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत पढ़ाई में सुपर इंटेलिजेंट है, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वीक स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, लग जाते हैं उनके साथ और जब तक लगे रहते हैं, जब तक उसको वो पास नहीं करा देते। भाई जो टॉपर है वो तो सब जगह टॉपर है, उसको तो बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, जो वीक स्टूडेंट है उसको पास करा के दिखाओ ना। तो वीक स्टूडेंट के साथ जो टीचर्स लग जाते हैं, समझ जाना वो ह्यूमन बिहेवियर समझ सकते हैं और वो साइकोलॉजी वाले माइंडसेट के हैं। डन। इंटरेस्ट बीबीए स्टूडेंट का होता है किस चीज़ में, टास्क को कंप्लीट करने में, बात हो गई खत्म। जैसे यंग बेकर होता है, उसको दे दिया भाई ये 25 टाइप की ब्रेड्स आपको बनानी है, बना के दे देगा। उसको दे दिया भाई ये इस टाइप का केक है, इसमें एक बैट होना चाहिए, एक क्रिकेट पिच होनी चाहिए और बहुत ही टेस्टी केक होना चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर का, लेकिन उसके ऊपर ग्रीन कुछ भी दे दो आप उसको, वो बना के दे देगा। उसके सामने तो एक वो प्रॉब्लम है और वो उसको सॉल्व करके मानेगा। यंग बेकर, पैशनेट बेकर जो होते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट होता है लोगों की इश्यूज को सॉल्व करने में। जैसे तमाशा मूवी में वो स्टोरी टेलर वाले अंकल नहीं थे, है ना, जहाँ पर रणबीर कपूर बार बार चला जाता था, बस 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 वही 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 कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं याद आ रहा मूवी दोबारा देख लेना। यही इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग के थ्रू कहानियों को सॉल्व करना, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया बीबीए में सब बढ़िया, तो क्या बढ़िया, देखो एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप कॉलेज से आपका बीबीए हो गया, चाहे आईआईएम से, चाहे शहीद सुखदेव सिंह से, चाहे एसपी जैन से, टॉप प्लेसमेंट चला गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद एमबीए कर लिया, स्वाहा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर सीयूईटी क्लियर कर लिया, टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, मिरांडा एसआरसीसी बीएचयू में, बढ़िया प्लेसमेंट चला गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मास्टर्स कर लिया। भैया जिंदगी बेस्ट तो होती नहीं है, वर्ष भी हो सकती है कभी कभी, देखो यार वर्ष भी देखो। एंट्रेंस जो है ना वो नेशनल लेवल के, वो नहीं हो पाए, लेकिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो गया, अरे तो बढ़िया तो है यार, गुड कॉलेज में एडमिशन हो गया, करियर को स्टार्ट करो। भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं हो पाया, बीबीए है, बेसिक कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, कोई बात नहीं, 2-3 courses, 2-3 internships करनी पड़ेंगी, उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। एमबीए की तैयारी फर्स्ट ईयर से करनी है, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट करो, इंस्टाग्राम पे करो, कहीं पर भी करो, कुछ तो बनाओ, व्यूअरशिप आए या ना आए, फॉलोअरशिप आए या ना आए, कंटेंट तो हो दूसरे को दिखाने के लिए। फर्स्ट ईयर से अगर लगे रहोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर थर्ड ईयर में एक्टिवेटेड फील किया फिर तो बाबू थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे, किसके, साइकोलॉजी के। देखो सीयूईटी क्लियर हो गया भाई, क्लियर पहले भी हुआ था, क्लियर अब भी हुआ है, लेकिन अब थोड़े से ना मार्क्स कम आए हैं, एवरेज कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करो, मास्टर्स की तैयारी करो। सीयूईटी नहीं हो पाया, एक प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है कोई बात नहीं, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलने की कोशिश करो, क्या बोल दिया मैंने एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करो, जो भी आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट मिल सकता है, वहीं पर जाना है। इंटर्नशिप करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, मास्टर्स की तैयारी करो। भैया जी सीयूईटी भी नहीं हुआ, एक बढ़िया कॉलेज भी नहीं मिला और बीए बीएससी चल रहा है, बेसिक कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा कॉलेज है। जो इंटर्नशिप्स होंगी ना यहाँ पर, वो बहुत सोच समझ के करना है। साइकोलॉजी में इंटर्नशिप ढूंढना इतना डिफिकल्ट टास्क है ना, लिटरली मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम समझता हूँ मैं, कभी कभी कुछ नहीं आता, इंटर्नशिप डालो और साइकोलॉजी में फिल्टर डालो, नो रिजल्ट फाउंड आ जाता है। तो अगर आपने इंटर्नशिप अच्छी ढूंढ ली साइकोलॉजी में, 60% जर्नी ईजी हो गई, ये मिल गया, कोर्सेज फिर मिल जाएंगे, उसके थ्रू अपने प्रैक्टिस करो और अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। अगेन थर्ड ईयर में एक्टिवेटेड फील किया तो दिक्कत होगी, फर्स्ट ईयर से अगर लगे रहे तो दोनों करियर में आप शेप कर सकते हो अपनी लाइफ को, अगर आपका एपीआई है, जो एप्टीट्यूड पर्सनालिटी इंटरेस्ट है, वो अलाइंड है तो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी डाउट है कहां पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पर हो करियर से रिलेटेड, हम सबसे बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट की, इतनी वीडियोस, इतना कंटेंट आपके लिए आएगा, आप देखते देखते थक जाओगे, हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।